मुस्कुराता रहता हूँ दुनिया से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आज अपने नौजवानों को दावत दे रहा हूँ कि आप इमरान टाइगर्स में शामिल हो। इमरान टाइगर्स है क्या? ये वो इस मुल्क के जुनूनी नौजवान होंगे जो घर घर मेरा पैगाम लेके जाएंगे। और मेरा पैगाम है क्या? हकीकी आजादी का। कैसे हम एक खुददार कौम बन सकते हैं? कैसे हम जहालत से और ये जो जुल्म और नाइंसाफी का निजाम है कि अमीर के लिए एक कानून, गरीब के लिए दूसरा, अमीर चोरी करे तो वो एनआरओ और गरीब चोरी करे तो वो, अगर ना भी कसूरवार हो उसको जेल में डाल देते हैं कई दफा क्योंकि उसकी गुर्बत की वजह से, उससे और अपने खुददार कौम, जिस तरह इलामा इकबाल ने कौमी गैरत की बात की थी, शाहीन बताया था कि इकबाल का शाहीन वो है जो जंजीरें तोड़ के परवाज करता है और वो सिर्फ आजाद लोग परवाज करते हैं। हम आजाद कौम बदकिस्मती से कभी भी नहीं बने। जो हकीकी आजादी का सफर है वो अब अपने फैसला कुन वक्त पे है, इसलिए आपकी जरूरत है कि आप घर घर मेरा पैगाम लेके जाए। और दूसरा, मुझे इलेक्शन डे पे आपकी मदद की जरूरत होगी। मैं चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोग वो इलेक्शन डे में इसलिए हमारे साथ शामिल हो कि इन्होंने जो धांधली करनी है, ये जो माफियाज हैं जो धांधली करके जीतते हैं, हमारे नौजवान वहां पर पोलिंग स्टेशन पे खड़े हों। और पढ़े लिखे नौजवान जब पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे और नजरियाती लोग, तो वो जिस तरह जो आप इमरान टाइगर्स होंगे, तो इंशाल्लाह हम इनकी धांधली के बावजूद इस मुल्क को आजाद करवाएंगे। तो आखिर में ये जो स्क्रीन पे आपके पास नंबर आएगा व्हाट्सएप का, इसके ऊपर क्लिक करके यस करें और फिर जो उसके बाद आपके पास वेबसाइट आएगी उसके ऊपर क्लिक कर दें। और मैं चाहता हूं कि आप सब भरपूर तरीके से शिरकत करें और अभी करें, क्योंकि ये आगाज है हमारा सफर जो कि जद्दोजहद का सफर है हकीकी आजादी की तरफ। शुक्रिया।